ओके, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं लाई हूँ भुट्टा। तो अब मैं इसे ना भूनने वाली हूँ घर पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। ये मैंने बनाई हूँ मसाला पूरी। एंड बाहर बहुत तेज़ बारिश गिर रही है, तो मैं और आयाना भी ये एंजॉय करने वाले हैं। उसके बाद में मैं बनाने वाली हूँ मटन पुलाव बिना के लिए। तो चलो पहले से हजम करते हैं। ओके, तो अब मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। तो इसके अंदर कांदा, टमाटर, पूरा लाल मसाला और मैंने चिकन डालकर अच्छे से इसको भून रही हूँ। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो मैंने चावल भी धोकर रखी हूँ एंड मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो आप इसे चिकन पुलाव बोल सकते हो, तहारी बोल सकते हो, कुछ भी। बस ये और थोड़ा सा बाकी है, अच्छे से हो जाएगा, फिर मैं चावल डालती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह से मेरा पुलाव बन गया है। ये रहा पुलाव, यम्मी। The next day. अब हो रही है बारिश और बज रहे 9:15। ओके, तो अयान ने अभी जस्ट बाल काट कर आया एंड ही इज लुकिंग सो हैंडसम माशाल्लाह। तो ये बाल मैंने एकदम छोटे छोटे से ऐसे साइड में ऐसे कट कर दियो एंड ऊपर से थोड़े से हल्के बड़े रखी हूँ, दैट्स इट। तो अब देखो इंसान दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अब बज रहे रात के 10:30 एंड दोपहर में मैंने आयान को हेयर कट के लिए ले गई थी एंड उसका हेयर भी मैंने कट अच्छे से करवा दिया था। और एक्चुअली आज मेरी एनिवर्सरी है और मुझे खुद को भी याद नहीं था। और आज सुबह से इतनी 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 ज़्यादा बारिश है कि अब 10:30 बज रहा है। आई थॉट कि मैं पिज़्ज़ा वगैरह कुछ ऑर्डर कर लूँगी। मैं रेडी होके बैठी हूँ, नॉर्मली मैं नाइटी में रहती हूँ बट आज मैं रेडी होके बैठी हूँ। बट कुछ भी नहीं आ पा रहा है, मतलब घर तक के सब जगह पानी बंद है। एंड आशु भी लाइक बांद्रा से निकले तो फिर सांता क्रूज़ में उनकी गाड़ी में बग मैंने पूरा पानी वानी चला गया, वो बंद पड़ गई। फिर अभी कैसे कैसे आधे ही घंटे के बाद में वो स्टार्ट हुई है, तो वो अभी गिरते पिटते पहुँच रहे घर पर। और मैं कुछ भी ऑर्डर नहीं कर पा रही हूँ और मैंने आज खाना भी नहीं बनाया। आयान भी लाइक थक के पूरा सो गया, तो मैं ऐसी बैठी थी और मैं भूत का कोई सीरियल देख रही थी, जो मेरा एक्चुअल काम है घर पे बैठ के करने का। मैं खाली भूत के सीरियल देखते बैठती हूँ। और अभी आशु ऑन द वे आ रहे, तो उनको बहुत भूख भी लगी है, टिफ़िन भी लेके नहीं गए। तो मैंने बोला अभी आते समय फ्राइड राइस वगैरह कुछ ला लो, अभी पिज़्ज़ा तो बहुत दूर है और वहाँ तक जा भी नहीं सकते और वो यहाँ तक आ भी नहीं सकता है। मैकडोनल्ड्स भी ऑनलाइन वगैरह सब बंद है, तो मैंने बोला कि चलो अभी कुछ फ्राइड राइस और लॉलीपॉप वगैरह भी ही ला लो। तो अभी वो आते समय वो लेकर आ जाएंगे, देन फिर हम लोग खाने वाले हैं अपना डिनर। और पता है आज मेरा इतना प्यारा प्लान था। नॉर्मली वो अग्री नहीं करते हैं कि कहीं बाहर जाने के लिए, आयान को कहाँ छोड़ेंगे ऐसे सोचकर। तो हम लोगों का ओशीगरा में कहीं ना बहुत प्यारी दरगाह है, कोई चढ़ान वड़ान के वहाँ पे, एंड लाइक वो आरे रोड से जाना पड़ता है, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है रात में वहाँ पे जाने का। तो लाइक ये मैं वहाँ पे अभी बहुत लाइक 7-8 साल हो गए, जब से शादी हुई है तब से इनफैक्ट मैं वहाँ पे गई ही नहीं, वो रास्ता भी लाइक भूल गई हूँ ऐसा हो गया। तो मैंने उनको बोला चलो आज ना अपन वहीं पे जाते हैं और अपन नाइट आउट मारेंगे। उन्होंने से बोला हाँ इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन बारिश ऐसी मनहूस पकड़ी है कि सब प्लान मेरा कैंसिल हो गया। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने अपना है ना जो SD कैम, जो मैंने न्यू कैमरा लिया है, उसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी नहीं डाला और मैंने उसे चार्ज वार्ज करके एकदम मस्त में रख दी थी कि चलो अगर
नाइट आउट कर रहे हैं तो फिर वो पूरा वाटरप्रूफ केस के साथ में आता है, तो मैं अच्छे से वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर पाऊँगी। ये वाले सेलफोन में यूज़ नहीं करूँगी, बट सब प्लान कैंसिल हो गया और अभी सिर्फ खाना खा के हम चुप सो जाने वाले हैं, यही होने वाला है। आयान भी देखो बेचारा थक के एकदम मस्त सो गया। तो चलो आज का दिन तो फिर यहीं ख़त्म हुआ और बस अभी खाना आ जाता है तो फिर खा के फिर क्या खाना लाता है एक्चुअली वो भी देख लेती हूँ। मैंने तो दो चीज़ बोली हुई, लेट्स सी अभी वो क्या लाते हैं, देन फिर मिलते हैं आपसे। हाय, तो अब बज रहा है रात के 12:10 बज रहा है, अभी तक आशु घर पे नहीं आया है और अभी मेरी ना उनसे वीडियो कॉल पर बात हुई। तो आज़ाद नगर में वो गए थे चाइनीज़ लाने के लिए एंड गाड़ी बांद्रा से यहाँ पर आने तक के 25 से 30 बार बंद हो गई और वीरा देसाई के वहाँ पर है ना कमर तक ऑलमोस्ट पानी जमा हो गया है एंड वो तैर के नहा के अल्लाह जाने कैसे कैसे वो चाइनीज़ कॉर्नर के पास पहुँचे और अभी वहाँ से ना चाइनीज़ ला रहे हैं, अभी भी कमर तक के पानी है। तो ही वॉज़ लाइक के पता नहीं तुझे क्या खाने का, बोले समंदर में तैर के मैं चाइनीज़ लेकर आ रहा हूँ क्योंकि कोई भी रेस्टोरेंट दे नहीं रहा है। और आज इतनी बारिश हो रही थी कि मैं आयान को लेके नीचे उतर ही नहीं पाई कि मतलब क्या उसको बोलते हैं कुछ मैं खाना पकाने के लिए ला लूँ करके। मैं हेयर कट के लिए उतरी थी बट मेरा दिमाग ही नहीं चला कि यार मैं चिकन या कुछ ले लूँ, और वैसे भी मेरे से दिमाग में था कि शाम में तो मैं पिज़्ज़ा मंगाने वाली हूँ तो अभी मैं चिकन वगैरह क्यों लूँ ना, तो इसीलिए मैंने कुछ लिया ही नहीं और पिज़्ज़ा भी कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। और अभी इतने बारिश में डूब नहा कर अभी लेकर आ रहे हैं चाइनीज़ खाने के लिए और पूरे 12:10 हो गए यार, आज तो उनकी हालत है। चलो आते तो फिर मिलते हैं। हाथ तो था तुम्हारे तंदूरी, ये कोई रोल है, ये कोई चटनी है, शेजवान एंड ये है शेजवान फ्राइड राइस एंड ये अक्खी कोमड़ी अक्खी मुर्गी। यम।